वंचित बहुजन अघाड़ी की देवगांव चाल शाख के नाम की तख्ती आज रियासती नायब सदर और नांदेड़ जिले के लिए पार्टी की जानिब से मुकर्रर किए गए मुबसिर एडवोकेट सर्वजीत बंसोड़े के हाथों इफ्तिताह किया गया। तकरीब में बौद्ध भंते पैया बोधी, पार्टी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, नांदेड़ जिला सदर शिवा नरंगले, लोकसभा उम्मीदवार अविनाश भूसीकर, मराठवाड़ा मेंबर संगरत्न कुर्रे, जनरल सेक्रेटरी श्याम कांबड़े, म्युनिसिपल सदर विठल गायकवाड़, महानगर सदर व जनरल सेक्रेटरी अमृत नरंगलकर, नांदेड़ जिला तर्जुमान मोहम्मद खासिम, नांदेड़ नायब सदर व दीगर अफराद मौजूद थे। सदर सुरेश गजभारे, भीमराव बेनरीकर, रवि पंडित, राबता सरबरा देवानंद सरोदे, एडवोकेट शेख बिलाल भी मौजूद थे। ब्रांच के सदर इंजीनियर सुनील हटकर के साथ ब्रांच के तमाम अहदेदारों का इस मौके पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ीन ने खैर मकदम किया। इस मौके पर मोअज़्ज़िज़ीन ने शुरका की रहनुमाई भी की। आज वंचित बहुजन आघाड़ी देगाव चाड़ या ठिकाणी आमचे महाराष्ट्राचे प्रवक्ते फारूक अहमद सर यांच्या हस्ते आमच्या पक्षाच्या शाखेच्या नाम फलकाचं या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे। वंचित बहुजन आघाडी देगाव चाळ हा वंचित बहुजन आघाडीचा निवडणुकांच्या कालखंडात आपण पाहिलं असेल की आपला बालेकिल्ला आहे आणि सातत्यानं या भागातून वंचित बहुजन आघाडीला प्रचंड मतदान होत आलेलं आहे, पण येणाऱ्या काळामध्ये त्याच्याहीपेक्षा जास्त। सर्व समाजामध्ये इथल्या कार्यकर्त्यांनी आज निश्चय केलेला आहे की आता फक्त मोजकाच नाही तर सर्व समाजामध्ये जाऊन देगाव चाळ आणि या पूर्ण परिसरामधून वंचित बहुजन आघाडीला एक शक्तिशाली राजकीय पक्ष म्हणून ते 100% या ठिकाणाहून उभं करणार आहेत। त्यामुळे शाखेचे जे आमचे पदाधिकारी आहेत, शाखेचे सुनील हटकर जे असतील, बेंद्रेकर जे असतील, वाघमारे जे असतील, कोकरे जे असतील, जे आमचे शाखेचे पदाधिकारी आहेत, मी त्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। या ठिकाणी आम्ही अधिकृतपणे या निवडणुकांच्या तयारीमध्ये संघटनेला आणखी जास्त मजबूत करण्याचं आम्ही काम करत आहोत, कारण काही बदमाश लोकांनी निवडणूक काळामध्ये अफवा पसरून चुकीच्या माहिती देऊन वंचित बहुजन आघाडीला बदनाम करण्याचं, डॅमेज करण्याचं जे षडयंत्र केलं त्याला थोडीशी भोळी भाबडी जनता त्याला फसली, म्हणून या निवडणुकीमध्ये आमची सगळ्या गावात वस्तीत तांड्यावर शाखा असतील, कार्यकर्ते असतील आणि कोणत्याही बदमाश प्रचाराला सर्वसामान्य जनतेला आमचे कार्यकर्ते बळी पडू देणार नाहीत एवढी जयत्त तयारी आम्ही या निवडणुकीमध्ये करतोय। वंचित बहुजन आघाडी दक्षिण नांदेडमध्ये विजय प्राप्त करेल एवढंच सांगतो। नांदेड जिले के नांदेड दक्षिण महानगर के अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 18 जो नांदेड़ का एक बहुत बड़ा प्रभाग है और वंचितों का गढ़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभाग क्रमांक 18 में देगाव चाड़ आता है, भीमघाट आता है, उसी तरह से प्रभाग क्रमांक 18 के अंदर खड़गपुरा, दुलेशा रहमान जैसी भी माइनॉरिटीज़ की बस्तियां भी आती है। आज प्रभाग की शाखा का यहां पे पार्टी का अनावरण हुआ है, लेकिन आने वाले हफ्ते दो हफ्ते के अंदर खड़गपुरा होगा, दुलेशा रहमान हो गया, पंचशील नगर हो गया और बरकतपुरा हो गया, वाघी रोड हो गया, इन तमाम बस्तियों के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी की शाखाएँ भी खुलेगी और इंशाल्लाह इनके पार्टियाँ भी लगाई जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से आगे संगठन को मजबूत किए बिना चुनावी राजनीति का चैलेंज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इस बात के लिए पार्टी ने राज्य उपाध्यक्ष को नांदेड़ ज़िले के निरीक्षक के तौर पर सर्वजीत बंसोड़ी जी को नांदेड़ ज़िले को भेजा है और नांदेड़ ज़िले के 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर सब समाज घटकों को साथ में लेना है। सभी समाज को OBC रहे, माइनॉरिटी रहे, इनकी ताकत बढ़ाते हुए आने वाले विधानसभाओं को चुनने की शुरुआत इस शाखा अनावरण और पार्टी अनावरण के माध्यम से हुई है, क्योंकि ये एक शाखा का नहीं तो ये हमारे यूनिट का, यह हमारे न्यू का, यह हमारा भक्कम पाए का निशान है और हम अपना पाया मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव के अंदर नांदेड़ दक्षिण विधानसभा में बड़ी अक्सरियत के साथ में इंशाल्लाह हम जीत हासिल करेंगे। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तियाब। जी हाँ, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज डीलर बनाया गया है। मर्द खवातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की जरूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तियाब है, जिसमें म्यूहूस, गोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ जबरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार, कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मजीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।